Hi angels, welcome all of you in my YouTube channel Angel Charms, where I post videos about makeup. तो आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है जो कि टीनेज गर्ल्स के लिए है. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा. अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी अगली वीडियो भी देख पाएँ. यहाँ पे मैंने बॉय स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर टोनर लिया है. उसको अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे करने के बाद पैड ड्राई कर लिया है. उसके बाद मैंने यहाँ पर लिप बाम अपने लिप्स पे अप्लाई किया है. इसके बाद गार्नियर का मॉइस्चराइज़र मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करके मसाज कर लिया अच्छे से ताकि मेरा फेस बिल्कुल मॉइस्चराइज हो जाए. प्राइमर में लैक्मी एब्सोल्यूट का अप्लाई कर रही हूँ. ये भी प्राइमर काफ़ी अच्छा है, ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा प्राइमर है. स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनाता है. प्राइमर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे लैक्मी का 9 to 5 कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम लिया है इन द शेड हनी. मेरा शेड इसमें हनी है और उसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद सेम ही क्रीम को मैंने एज अ कंसीलर अपने फेस पे अप्लाई किया है. जहाँ जहाँ मैं कंसीलर लगाती हूँ, अंडर आइज़, अराउंड माउथ, फोरहेड और नोज़, वहाँ पर मैंने उस क्रीम को अच्छे से अप्लाई किया और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड किया है. फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका बेस मेकअप बहुत अच्छा हो तो आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कीजिए. यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैंने इतनी जल्दी सब कुछ ब्लेंड कर लिया, पर ये तो फास्ट फॉरवर्ड आप देख रहे हो वीडियो और रियल में तो बहुत टाइम लगता है ब्लेंडिंग में. इसलिए क्योंकि अगर हम ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा बेस मेकअप होगा जो बहुत ही केकी हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा. और जब हम ब्लेंडिंग अच्छे से कर लेते हैं तो फेस मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाता है. उसके बाद मैंने यहाँ पर उसी क्रीम को एज ए आई शेडो बेस के जैसे इस्तेमाल किया है अपने आईलिड एरिया पर और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने फेसेस कैनेडा का HD कॉम्पैक्ट लिया अपने फेस को अच्छे से पैक करने के लिए. देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग की है ताकि मेरा जो बेस हो वो अच्छे से बिल्कुल फ्लॉलेस दिखे. उसके बाद मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट लिया है और उस किट में 2 शेड हैं, एक लाइट है एक डार्क है. तो मैं पहले डार्क कलर अप्लाई करूँगी अपनी हाफ़ आईब्रोज़ पे, उस फ्रंट आईब्रोज़ पे मैं लाइट कलर अप्लाई करूँगी ताकि मेरे जो आईब्रोज़ हैं वो बिल्कुल नेचुरल दिखें, बिल्कुल फेक नहीं दिखनी चाहिए कि नहीं मैंने कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ लगा लिया अपनी आईब्रोज़ पे, तो फेक नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल लुक आना चाहिए. उसके बाद मैंने लैक्मी एब्सोल्यूट का आई शेडो पैलेट लिया है और उससे डार्क ब्राउन कलर लेके अपनी क्रीज एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ. पहले आउटर वी पर डिपॉजिट करके उसको एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी क्रीज एरिया तक. फ्रेंड्स, ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम देना पड़ता है और देना भी चाहिए ताकि अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप का लुक अच्छा है, तो इसके लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है. उसके बाद मैंने मेबलिन का 24 कैरेट गोल्ड, आई थिंक कुछ ऐसा नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी नेम, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा. तो उससे मैंने कॉपर शेड लिया है और उसको अपनी आईलिड एरिया पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई किया है और फिर दोबारा से एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सब कुछ ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से ताकि अगर कोई क्रीज अगर कोई हॉर्स लाइन वगैरह हो तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, कोई भी लाइन या एक्स्ट्रा कुछ भी दिखे नहीं, सब कुछ ब्लेंडेबल लगे.
उसके बाद मैंने यहाँ पर लैक्मी एब्सोल्यूट का आईलाइनर लिया है और इससे बिल्कुल सिंपल बेसिक सा विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, कोई भी फैंसी बोल्ड लाइनर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये टीनेज गर्ल मेकअप है तो ऐसा मेकअप ही अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो विंग लाइनर थोड़ा बोल्ड भी लगा सकते हैं, पर मैंने इस लुक में बिल्कुल सिंपल सा विंग लाइनर ड्रॉ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लॉरियल पेरिस का मिलियन लैशेज मस्कारा लिया है और उसकी दो तीन कोट मैंने अपनी आई लैशेज पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है तो काफ़ी अच्छी आई लैशेज दिखती हैं। और मैंने इस लुक में कोई भी फॉल्सेज अप्लाई नहीं किए हैं, सिर्फ मस्कारे का ही इस्तेमाल किया है और उससे भी काफ़ी अच्छी मेरी लैशेज दिख रही हैं। तो मैंने अपर लैशेज और लोअर लैशेज दोनों पर अच्छे से अप्लाई। यहाँ पर मैंने सेम उसी आई शेडो पैलेट से ही एक ब्राउन शेड लिया है और उससे ही अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ। मैंने अलग से कुछ कोई भी कॉन्टोर नहीं लिया है, जो आई शेडो पैलेट से मैंने आई मेकअप किया है उसी से मैंने कॉन्टोर शेड लेके अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोरिंग कर ली है और उसके बाद उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो या कुछ भी हार्श दिख रहा हो तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने अपनी नोज़ को थोड़ा सा कॉन्टूर किया है और फिंगर की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। इसके बाद मैंने लिटिल बिट अपने लिप्स को भी कॉन्टूर किया है और उसको भी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। उसके बाद सेम आई शेडो पैलेट से मैंने एक थोड़ा सा पिंकिश गोल्ड कलर लिया है, उसको एज अ ब्लश अपने फेस पर अप्लाई किया है और फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा दिखता है ब्लश, बिल्कुल नेचुरल और थोड़ा सा गोल्डन शीन है तो अच्छा सा पिंक ग्लो फेस पे दिख रहा था, काफ़ी अच्छा दिखता है ये। उसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर लिया है और उसको अपने फेस पे एज जहाँ पर मैं अप्लाई करती हूँ वहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है हाइलाइटर को। तो यहाँ पर मैंने वेट एंड वाइल्ड का लिप लाइनर लिया है और उससे अपने लिप्स को अच्छे से डिफाइन कर लिया है। इसके बाद सुगर की लिक्विड लिपस्टिक ली इन द शेड 03 Tan Fan, उसको अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बिंदी भी अप्लाई करी है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको बिंदी पसंद है तो लगाइए वरना आप स्किप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।